कि इस तरह से रोड यहाँ ढह गया है, एक तहदुआ अभी भी है यहाँ पे। कोई पता नहीं, कोई आवाज़ आ रही है अपनी बाइक में से। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे होंगे एपिसोड 2। तो भाई गुड मॉर्निंग भाई लोगों को। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे जाने वाले हैं। आज की डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। सोचा था कि लोहा घाट जाएंगे यहाँ से। अभी क्या है, सीन ये है, आगे बारिश है और लैंडस्लाइडिंग है, क्योंकि तो जहाँ जैसा मतलब होगा वहाँ रुकना पड़ेगा। हमें कुछ कह नहीं सकते फिलहाल। आपने देखा होगा मेरा इससे पहले वाला एपिसोड, मैं यहाँ रुका था। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी बाइक यहाँ खड़ी हुई है। तो भाई पीछे का जो व्यू दिखाऊंगा मैं, अमेजिंग, मतलब कहते हैं ना हटो बच्चो। भाई ये देखो भाई, ये जो वादियाँ हैं ना, क्या मिला है। मतलब हम रात को जिस तरह से आए थे ना कल, और आज जो मतलब नेट अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है ना, उसमें जो मज़ा आने वाला है ना, ये देखो व्यू भाई, बादल ऊपर आ गए हैं। और रात को यहाँ पे हम रुक, ये जो ये गाय यहाँ पे बैठी हुई हैं, मस्त बैठ। तो भाई चलते हैं जल्दी से, पैकअप करते हैं, कोई लेट हो रहे हैं। बारिश रास्ते मिल गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए भाई चलो भाई, ओके मिलते हैं जल्दी जल्दी से। तो जय हो बजरंग बली, आशीर्वाद देना, कोई भी भूल हो गई हो हमसे तो माफ़ करना। रात को यहाँ आए थे, आपने हमें जगह दी यहाँ पे रुकने के लिए। आप नहीं होते तो रात भर क्या होता पता नहीं। तो अब हम कंटिन्यू अपनी जर्नी करने वाले हैं, ऐसे यहाँ से जा रहे हैं हम लोहा घाट। और आशीर्वाद देना पहुँच जाए अच्छे से, बढ़िया रहे हमारा ट्रिप। तो चलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई अपना रेडी है अपनी बाइक, और भाई तैयार है, तो ये भी तैयार है, तो चलते हैं भाई अब जल्दी से। और ये हमारा डे 2 है। तो भाई ये जो वादियाँ हैं, आप इनको इन्जॉय करो भाई, लेकिन थोड़ी ख़तरनाक भी हैं। ये लैंडस्लाइडिंग भी हुई है यहाँ पे रात को, और हम इसीलिए पीछे रुक गए थे क्योंकि हमें पीछे लैंडस्लाइडिंग मिली थी। और आज का हमने सोचा है कि लोहा घाट यहाँ से 67 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं जाएंगे 67 किलोमीटर जाके, क्योंकि हमने पूरी रात बाइक चलाई है, तो थोड़ा रेस्ट भी करना है। मतलब सोएंगे, अपने कैमरे हमने चार्ज करेंगे। और तो भाई गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हो मेरे भाई लोग, बढ़िया हो? तो चैनल पे आ जाओ, प्यार बढ़ा दो, सब्सक्राइब कर दो, और नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। और ये वादियाँ हसीन भाई, ये देखो, मतलब एक पहली दुकान मुझे मिली है, वो भी अब खुली है। तो भाई 3-4 किलोमीटर चलने के बाद एक चाय का ब्रेक लिया है, क्योंकि नींद आ रही है, और भाई बिस्किट खा लीजिए। तो भाई कुछ बैड न्यूज़ भी मिल रही है हमें, लुटिया पीछे जो उन्होंने चाय दी है, उन्होंने बताया कि आगे रास्ता रुका हुआ है, कुछ चीज़ चल रही है वहाँ पे, लैंडस्लाइडिंग वगैरह ज़्यादा है, मतलब हाई अलर्ट है वहाँ का। तो अभी भाई चाय के मज़े लो आप, बाकी सब जो होगा वो देखा जाएगा, हम भी देख रहे हैं चाय के मज़े इन वादियों के साथ में। भाई यहाँ पे भैया के यहाँ चाय भी बढ़िया लगी, भैया चाय अच्छी लगी, अच्छी चाय थी, बढ़िया थी। तो भाई यहाँ से चाय पीने के बाद अब कंटिन्यू राइड करते हैं और चलते हैं आगे। भाई अभी जो पीछे जहाँ चाय पी थी मैं, वो जो भैया थे उनसे मैंने कुछ पूछा, तो यहाँ बोल रहे थे कि यहाँ पे 2-2.5 महीने पहले 2 तेंदुए थे, मतलब जंगल में रहते थे। एक तो पकड़ने में आ गया और वो कहीं जंगल में कहीं छोड़ दिया है, दूसरे जंगल में एक रह गया है। और 2-2.5 महीने पहले ऐसे ही लोग बाइक में यहाँ आए थे, रात को निकल रहे थे, तो उसमें से एक पे हमला किया, तो इसमें एक की जान चली गई है। तो 2-2.5 महीने पहले ने बताया, 2-2.5 महीने पहले की बात है, वो मुझे अभी बता रहे थे, कह रहे दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को हमने जो रिस्क लिया वो गलत था, मैं मानता हूँ। हम जब लौट के आएंगे तो यहाँ दिन में ही आएंगे यहाँ पे, ओके, रात में नहीं चलाएंगे बाइक। रात में हम जैसे चला थोड़ी ना रहे थे, थोड़ा सा पहाड़ों पर चढ़ लें और कोई होटल वोटल दिख जाएगा तो रुक जाएंगे, लेकिन कोई होटल ही नहीं मिला, तो वो बहुत रिस्की था मामला। अभी जो भैया ने बताया उसको सुन के मुझे डर लगा बहुत, कि यहाँ पे तेंदुआ है, एक तेंदुआ अभी भी है यहाँ पे,
भाई क्या बात है, यहाँ देखो भाई इस तरह से रोड यहाँ ढह गया है, पीछे देखो भाई इसे टूट गया है। हेलो ब्रो, क्या आपका एयर पंप मिल सकता है? एयर पंप नहीं, हवा डालनी थी एक भैया। आ जाओ, हाँ साइड में आ जाओ, आ जाओ। तो भैया कि आप पंप लेके हम इसमें हवा डालेंगे भाई। तो भैया ने हमें रास्ते में भी मिल रहे जा रहे थे तो मिल गए, इन्होंने हमारी हेल्प की है, कह रहे डाल लो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मज़ा आ रहा भाई, ये देखो। तो भाई कितने सारे ट्रक निकल रहे हैं। भाई मैंने सलूट मारा तो उन्होंने भी सलूट मारा सर। भाई लोग ये जो देख रहे हो गया, ये जो ग्रीन ग्रीन करके ये नेट लगा दिए ताकि लैंड स्लाइडिंग हो, पत्थर ना पत्थर नीचे खिसके ना, क्योंकि तो उन्होंने सेट कर रखे हैं ना, तो भाई इस तरीके से कुछ ये लोग सेट कर देते हैं ताकि ये पत्थर नीचे ना आए निकल के, तो इससे थोड़ा बचाव रहता है। तो भाई ये क्या व्यू है भाई, कहाँ आ चुके हैं हम। और आप अभी जो मेरा एंगल देख रहे हो वो सामने वाला कैमरा है, वो जो पीछे लगा है, जो मैंने बुलेट पे लगा रखा है। तो भाई कैसा लग रहा है, अभी मैं ग्लव्स नहीं पहना हुआ क्योंकि मैंने अभी उसको ऑन किया था, तो इसलिए छोटा सा वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है भाई। वादियाँ ही वादियाँ। तो भाई शहर को छोड़ के हम यहाँ, आज हमारा दिन यहाँ, मतलब रात कहाँ निकल गई पता नहीं चला और आज हमारा सारा दिन यहाँ जा रहा है पहाड़ों में इस तरीके से। भाई इधर कीचड़ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है तो सारा रोड ख़राब है, मिट्टी मिट्टी का हो रहा है। तो भाई यहाँ से निकालने पड़ रही है अपना बाइक। ओ भाई मेरे, ओ तेरी क्या एडवेंचर है भाई। ओफ ओफ, गुड मॉर्निंग मेरे भाई लोगों। अभी गुड मॉर्निंग चले क्योंकि 10:30 बज रहे हैं 11:15, और मैं बताया था अभी 8:30 वहाँ से निकले थे, तो कंटिन्यू राइड करते हुए आ रहे हैं। सुबह बस चाय पी थी रास्ते में, तो कुछ खाया भी नहीं था, तो भाई हमारे साथ के लोगों की बोलती बंद हो गई खाने पीने के चक्कर में, क्योंकि तो इनको लग रही भूख, तो कुछ खाने के लिए रुके। यहाँ पे भाई खा रहा है मैगी, ये खा चुके हैं, तो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, तो इनसे पूछूँ मैं। हाँ भाई, क्या बताया था? ये नियर ग्रीफ कैंप, ये चंपावत जिला है जी, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, तो भाई मेरे लिए बना रहे हैं बंद आमलेट, दो अंडे की, जो मैं अभी खाऊंगा, मैं ब्रेकफास्ट किया नहीं है। तो ये हम अभी हम जो खड़े हुए हैं चंपावत के ज़िले में हैं, और भाई अभी वेदर तो ठीक है, मतलब बारिश का तो मुझे अभी लग नहीं रहा फिलहाल, और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर कंटिन्यू करेंगे। सोच रहे हैं यहाँ से लोहागढ़ पहुँचते हैं और वहीं रुकेंगे आज। लोहागढ़ है भाई, ये कन्फ्यूज़ कर देता है। तो भाई अभी ब्रेकफास्ट आ जाएगा, उसके बाद खा पी के, और अभी बाइक यहाँ खड़ी हुई है। इन भाई ने अभी मैंने इनसे पूछा था भाई, क्योंकि तो सुबह से फेस वेस वॉश नहीं किया, ब्रश नहीं किया, तो इन भाई ने अभी मैंने उनसे पूछा था भैया वॉशरूम है, तो उन्होंने अपना वॉशरूम मुझे यूज़ करने को दिया घर पर ही, मतलब पर्सनल वाला। तो ऐसे होता है भाई, मतलब भाईचारा ये होता है। थैंक यू भैया, अच्छा लगा। ठीक है, तो अभी ब्रेकफास्ट आता है तब मिलते हैं आपको।
तो वही यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, चाय मैगी, और भाई लोग तैयार हैं। तो ये फास्ट फूड यहाँ पे सब चीज़ मिलती है। तो यहाँ से अभी जा रहे हैं हम लोहागढ़ के लिए। तो भाई 16 किलोमीटर रह गया अपना, और उसके बाद सीधा रूम वूम लेंगे और स्टे करेंगे। भाई सारा रात हो गया, तो अब बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, रेस्ट मांग रही है, बहुत नींद आ रही है भाई। अब सारी रात हो गई है तो समझ नहीं आ रहा। धारचूला लोहा घाट है 16 किलोमीटर, सॉरी लोहा घाट है भाई, तो कंफ्यूज हो गए भाई हम। भाई लोग यहाँ से लोहा घाट रह गया है लगभग 6 किलोमीटर, और उससे पहले का जो व्यू है ना, ये रोड एकदम सटीक मिली है, बढ़िया एकदम रोड है, और बाइक चलाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने यहाँ ड्रोन शॉट लेने का सोचा था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि पहले तो भाई जहाँ पहुँचना है पहले वहाँ पहुँचे, उसके बाद हम दोबारा भी ले सकते हैं। भाई क्या कर्म है, और इस कर्म को आप देख रहे हो हमारे दूसरे वाले एंगल से। तो भाई एंजॉय करो ये कर्म। तो भाई वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, तो हमारा स्वागत है लोहा घाट में। हेलो कर दो, हेलो लाइक कर दो, लाइक, थैंक यू। मैं इन भाई से मैंने पीछे अभी पूछा था, बता रहे हैं 1 किलोमीटर पर जाके काफ़ी अच्छे खासे होटल्स हैं, वहाँ देखेंगे। हमें अंदर मार्केट के अंदर नहीं चाहिए। तो भाई हमारा रूम ये है, और बहुत ही कम रेट में हमें ये रूम मिल गया, तो हम आपको रेट बता देते हैं। ये हमें ये रूम और ये रूम दोनों पड़े हैं 800 रुपीज़ में। ये अलग अलग सो, इस पे सो, बिछा के सो, लिटा के सो, कुछ भी सो, बड़ी मार के सोएंगे भाई। और ये है बाथरूम भाई। ओए भाई क्या कर रहा है ट्रोल? कंट्रोल। गुली 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 गुली। तो भाई यहाँ का उद्घाटन कर दिया भाई ने, ठीक है। तो ये है बाथरूम अपना, बढ़िया है। और सामने का कुछ नज़ारा भी दिखा देते हैं। इसके सामने जो है ये हमारी विंडो है, ये हमारी विंडो, विंडो के सामने कुछ ये वादियाँ हैं, और ठीक ठाक नज़ारा है। बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत कम बेकार भी नहीं है, चल जाएगा अपने को। और क्या है, हाँ, और ये है हमारी अपनी छोटी वाली बालकनी। यहाँ पे रात को अपने यार में मज़े लो खड़े होके, ऐसे करके व्यू देखो। और ये भाई छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसमें नहा सकते हो आप, ठीक है। हाँ जी भैया, हेलो। तो भाई ये है प्रॉपर्टी, मतलब बाकी और भी होटल्स बने हुए हैं, तो यहीं पर रुकेंगे अभी हम। तो भाई हम अपनी हवेली पे आ गए, हमारी हवेली ये गई, ये है हमारी हवेली, ये हमारी हवेली जिसमें हमारी बहू अकेली, और ये है हमारी बहू अकेली। डेंजर जोन भाई,